हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा अलैह रहमा जब हज पे गए और काबतुल्ला पे पहली नज़र पड़ी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुए, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे, मैं जो दुआ मांगा करूँ तो कबूल कर लिया कर, मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे। तो ऐसी दुआ मांगी कि बस फिर सारी ज़िंदगी मांगते रहो, वो कबूल होगी तो फिर जो जो मांगेंगे वो भी कबूल होगा। तो अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे, मेरी दुआ ये है कि मेरी दुआएं कबूल करना। तो ये पहली नज़र पे जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। काबतुल्ला को देखना, तवाफ करना, हजरे असवद को चूमना, बल्कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू जब तजल्लियात नाजल फरमाता है, रहमतें दुनिया पे नाजल फरमाता है, तो सबसे पहली रहमतें काबतुल्ला पे नाजल फरमाता है। और फिर फरमाता है कि जो तवाफ़ कर रहे हैं मैंने उनकी मगफरत कर दी, जो सेने हरम में काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं मैं उनकी मगफरत कर दी, और जो किबले की तरफ मुंह करके सेने हरम में सोए हुए हैं मैंने उनकी भी मगफरत फरमा दी। अल्लाह अकबर, ये कितनी करम नवाजी हैं।